इस बयान को सुन लीजिए। तो अलीगढ़ के अंदर अब आंदोलन होगा, क्योंकि ये सारी चीजें अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें पता है कि सरकार क्या चाहती है, सरकार आग लगाना चाहती है, तो हम सरकार को एक धमकी देना चाहते हैं और कह देना चाहते हैं कि देखिए, अगर हमसे पंगा लेंगे तो राह के ढेरों पे बरसों गुजरना पड़ेगा। ये हम बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता का बयान है। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष सईद नाजिम अली हैं जो यह कह रहे हैं कि हमसे पंगा लोगे तो राख के ढेर पर गुजरना पड़ेगा। वह यूपी सरकार को सीधी धमकी दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अति संवेदनशील जिलों की लिस्ट में शुमार अलीगढ़ में सईद के बयान के बाद बीजेपी नेता की तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया है। अगले साल यूपी चुनाव से पहले यूपी में अपनी जड़े जमाने में लगे ओवैसी ने हाल ही में बलरामपुर जिले में मुस्लिमों के एनकाउंटर को लेकर एक बयान दिया था, जिस पर अच्छा खासा हंगामा मचा था। अब ओवैसी की ही पार्टी के इस नेता ने खुलेआम धमकी दी है। अलीगढ़ के अंदर अब आंदोलन होगा, क्योंकि ये सारी चीजें अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें पता है कि सरकार क्या चाहती है, सरकार आग लगाना चाहती है, तो हम सरकार को एक धमकी देना चाहते हैं और कह देना चाहते हैं कि देखिए, अगर हमसे पंगा लेंगे तो राह के ढेरों पे बरसों गुजरना पड़ेगा। ये हम बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। दरअसल यह मामला सोशल मीडिया की पोस्ट से जुड़ा है। धर्म विशेष को लेकर की गई पोस्ट के वायरल होने के बाद दो समुदायों के बीच आक्रोश बढ़ गया। फेसबुक पर एक युवक की टिप्पणी के खिलाफ AIMIM के नेताओं ने अलीगढ़ के सिविल लाइन थाने में तहरीर दी। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष नाजिम ने मीडिया से मुखातिब होते हुए सख्त तेवर दिखाए। उन्होंने कहा कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर अलीगढ़ में आंदोलन होगा। वह यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि अब हम ये सारी चीजें बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें पता है कि सरकार आग लगाना चाहती है, हम सरकार को धमकी देना चाहते हैं कि अगर हमसे पंगा लेंगे तो राख के ढेर पर से गुजरना पड़ेगा। इस मामले में बीजेपी नेता और युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष मुकेश सिंह लोधी ने सईद नाजिम सहित अन्य नेताओं के खिलाफ क्वारसी थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान से यह स्पष्ट होता है कि अलीगढ़ में होने वाले पंचायत चुनाव में AIMIM के नेता किसी अप्रिय घटना को अंजाम दे सकते हैं। लोधी ने कहा कि यह सरकार को सीधी धमकी देना एवं विवादित बयान के जरिए शहर का माहौल खराब करने की साजिश है। आने वाले चुनाव को देखते हुए इन्होंने माहौल को बिगाड़ने का काम किया है। जिस प्रकार से ओवैसी के इनकी पार्टी के मुखिया जिस प्रकार से 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने की धमकी देते हैं, ऐसी मानसिकता के ये लोग हैं। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।